Hello friends, I am your English teacher Divya Srivastava, and today in English grammar we are going to start a new first chapter, chapter 9, conjunction. आज हम conjunction पढ़ने वाले हैं, इसकी definition देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसके हम example भी देखने वाले हैं. So let's get started. Firstly we will see the definition of this conjunction. Conjunction होता क्या है, ठीक है? A conjunction is a word that joins two nouns, phrases, clause or sentences. जो कंजंक्शन शब्द होता है, कंजंक्शन वर्ड होता है, वो क्या करता है, दो नाउन को आपस में जोड़ता है. दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो क्लॉजेस हो सकते हैं या दो सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है? उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है कंजंक्शन, ठीक है? तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि दो नाउन, नाउन क्या है, कोई भी नाउन हो सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम. राम एंड श्याम, राम श्याम को मैंने किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा. तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है. यस, तो ये कंजंक्शन ऐसे शब्द है जो दो नाउन, क्लॉजेस, फ्रेजेस या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं. एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं. आई लाइक राम बट आई डोंट लाइक रिया. मैं राम को पसंद करता हूँ, मैं राम को पसंद करता हूँ लेकिन मैं रिया को पसंद नहीं करती, ठीक है? मैं राम को पसंद करता हूँ लेकिन मैं रिया को यहाँ पसंद नहीं करती हूँ. अब यहाँ पे जो ये दो, देखिए ये दो अलग अलग सेंटेंस है. आई लाइक राम, एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल से इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, राइट? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है कि आई लाइक राम. अगर दूसरे सेंटेंस की बात की जाए, आई डोंट लाइक रिया, मैं रिया को पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक रिया, ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. इन दोनों सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ा है, बट से जोड़ा है, ठीक है? लेकिन, बट मतलब लेकिन. तो अब ये यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन, ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है. आई लाइक राम बट आई डोंट लाइक रिया, ठीक है? इन दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप कौन बता रहा है, बट. ये बट यहाँ पे कंजंक्शन, ठीक है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं. गिव मी आइसक्रीम इफ चॉकलेट्स आर नॉट अवेलेबल. मुझे चॉकलेट, सॉरी, मुझे आइसक्रीम दे दीजिए अगर आपके पास चॉकलेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है? अगर चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे क्या दे दीजिए, आप मुझे आइसक्रीम दे दीजिए, ठीक है? अब देखिए ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. गिव मी आइसक्रीम, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है. गिव मी आइसक्रीम, ये एक सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है. सेकंड, चॉकलेट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है? चॉकलेट्स आर नॉट अवेलेबल, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. दोनों सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ा है, यहाँ पे इफ से जोड़ा है, ठीक है? ये जो पहला सेंटेंस है, ये आपके सेकंड सेंटेंस पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है. सेंटेंस की बात मैं कर रही हूँ, सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहा है कब, जब मैंने बीच में कंजंक्शन इफ का यूज किया है. मैंने यहाँ पे इफ का यूज किया है कि अगर चॉकलेट्स नहीं है, इफ का मतलब अगर, अगर यदि, अगर यहाँ आपके पास चॉकलेट्स नहीं है तो मुझे क्या दे दीजिए, आइसक्रीम दे दीजिए, ठीक है? ये कंडीशन तब होगी जब ये होगी, राइट? तो यहाँ पे बट है, इस है, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, ठीक है? कंजंक्शन वर्ड है जो दो सेंटेंस को, दो नाउन को, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, उनको कंजंक्शन वर्ड कहते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम हर एक कंजंक्शन वर्ड का मतलब समझते हैं. अगर आप मतलब समझ लोगे तो आप इजिली चीजें कर लोगे. यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन वर्ड लगने वाला है, ठीक है? दो सेंटेंस मैंने आपको दिए, अब आप सोचेंगे इसमें से कौन सा हम कंजंक्शन वर्ड इसमें लगाएं, तो उसके लिए उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है, कौन सा कंजंक्शन किसके साथ जाएगा. यहाँ पे जैसे एंड का यूज मैंने किया है, ठीक है? एंड भी कंजंक्शन होता है. एंड किस किस लिए आता है, बेसिकली एडिशन के लिए आता है, जब आपको एक चीज से दूसरी चीज एड करनी होती है, ठीक है? लाइक आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या है, मैं अकेली हूँ, अब मुझे मैं के साथ कुछ और एड करना है, जैसे राम है, राम जा रहा है, राम के साथ मान लीजिए मुझे कोई और पर्सन ऐड करना है, राम एंड श्याम या राम एंड रिया. तो राम के साथ, अब दो नाउन है, ये राम क्या है, नाउन है, और जो दूसरा पर्सन नेम होगा वो भी नाउन होगा. तो इन दोनों नाउन्स को मैं कैसे जोड़ूंगी, कैसे ऐड करूंगी, एडिशन के लिए क्या करना है, एंड लगाना है, ठीक है? राम एंड रिया या राहुल एंड रिया, कोई भी दो नाम, दो नाउन को जोड़ने के लिए, दो पर्सन को जोड़ने के लिए एंड का यूज करते हैं, एडिशन करने के लिए, कोई एक चीज में दूसरी चीज ऐड करने के लिए एडिशन का यूज करते हैं. जैसे आई लाइक चॉकलेट्स एंड चिप्स, आई लाइक चॉकलेट्स और चिप्स, मुझे चॉकलेट्स और चिप्स पसंद है, चॉकलेट्स तो पसंद ही है और मुझे चिप्स भी पसंद है. तो एडिशन के लिए चिप्स को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, एंड लगा दिया, ओके? अब यहाँ पे बट देखते हैं. बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, मतलब कि विरोध दिखाता है, अपोजिशन दिखाता है, अपोजिट होता है एक तरह से. मुझे एक चीज पसंद है बट मुझे ये चीज नहीं पसंद, ठीक है? आपका अपोजिट होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने बट का यूज किया है. आई लाइक राम बट आई डोंट लाइक रिया, मुझे एक चीज पसंद है लेकिन मुझे दूसरी चीज नहीं पसंद. एक चीज को मैंने वो किया है, एग्री किया है, लेकिन दूसरी चीज को मैंने क्या किया है, मैं उसके अपोजिट में हूँ, ठीक है?
अगला लेते हैं और का यूज क्या करते हैं, जहाँ पे च्वाइस होती है, जहाँ पे आपके पास दो चीजें हो, तीन चीजें हो और आपको वहाँ पे च्वाइस करनी पड़े, आप ये लोगे कि ये खाएंगे, आप यहाँ जाएंगे कि वहां जाएंगे, आपके पास जहाँ च्वाइस आती है वहां पे किस कंजंक्शन का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। और का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे च्वाइसेस होती है, ठीक है। सो का मतलब क्या होता है, आउटकम, मतलब कोई कंडीशन के बाद जब एक आउटकम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो हम सो का यूज करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी जिसके साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एक रीजन के लिए होता है। बिकॉज हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज लगा के सेंटेंस कब जोड़ते हैं अगला, जब हमें कोई रीजन देना होता है। मैं यहाँ नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है, मैं बाजार नहीं गई या मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक रीजन दिया, एक रीजन दिया, इसलिए मैंने क्या लगाया, बिकॉज लगाया। आप अगर इन कंजंक्शन वर्ड्स के मतलब जान लेंगे कि किसके साथ क्या आएगा, तो बहुत इजिली इसको कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, कंजंक्शन को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज हुआ है, बताइए, यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड यूज हुआ है एंड, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है और मुझे क्या पसंद है, चिप्स भी पसंद है, मुझे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पसंद है, एडिशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए एंड का यूज किया गया। ये देखिए यहाँ पे एंड है। अगला, वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड्रिंक और चिप्स, वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड्रिंक और चिप्स, आप कोल्ड्रिंक लेना पसंद करेंगे कि चिप्स लेना। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो कोई आपसे क्या पूछता है, वुड यू लाइक टू हैव सम टी या कॉफी, पूछता ना कि आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। उसी तरीके अब यहाँ से क्या है, आपके पास क्या आ रही है, च्वाइस आ रही है, ठीक है, आपके पास दो च्वाइस है, आप ये लेंगे कि ये खाएंगे, वो पियेंगे कि ये पियेंगे, ठीक है। यहाँ पे च्वाइस आती है, वहां पे क्या लगाते हैं हम, और लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन वर्ड है, और, ठीक है। यस, आई कैन सिंग बट आई कैन नॉट डांस, आई कांट डांस, आई कैन सिंग बट आई कांट डांस, मैं गाना गा सकती हूँ लेकिन मैं डांस नहीं कर सकती, ठीक है, मैं डांस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बताया था मैंने आपसे, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, यानी कि एक चीज को मैं एग्री कर रही हूँ, एक चीज के मैं उसमें हूँ, एग्री कर रही हूँ, दूसरी चीज के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके ऑपोजिट में हूँ, ठीक है, मैं उसको डिनाई कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज को मैं कर सकती हूँ, आई कैन सिंग बट आई कांट डांस, बट मैं डांस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, बट कंजंक्शन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज फीलिंग हंग्री सो ही एट अ सैंडविच, क्योंकि बिकॉज ही इज फीलिंग एंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखा फील कर रहा था, बहुत ज्यादा भूखा था, तो उसने क्या कर लिया, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक सैंडविच खाया। सो का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, सो का मतलब होता है आउटकम निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि वो भूखा फील कर रहा था, क्योंकि वो हंग्री था, तो क्या रिजल्ट आया, तो उसने क्या कर लिया, क्योंकि वो भूखा था तो उसने सैंडविच खा लिया। यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, एक फीलिंग, एक सेंटेंस है जिसमें एक सेंटेंस में बताया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में क्या उसका रिजल्ट होगा, ही इज फीलिंग हंग्री, क्योंकि वो भूखा फील कर रहा था, तो उसने क्या कर लिया, सैंडविच खा लिया। तो यहाँ पे आउटकम क्लीन होगा। लास्ट देखते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज आई एम इल, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, रीजन दिया जा रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। उसने एक रीजन दिया, क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, बिकॉज। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज होगा, बिकॉज, रीजन के लिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे रीजन लिख रखे हैं, इससे आपको कंजंक्शन वर्ड लगाने में काफी आराम हो जाएगा कि कौन किस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन वर्ड लगेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, होते बहुत सारे हैं, नॉर है, येट है, बट आपके कोर्स में भी इतना ही है, सेकेंड क्लास में आपको नॉर है, येट है, ये सब चीजें, और अभी आगे नहीं पढ़नी है, अभी आपको यही पढ़ना है कि इफ है, बट है, एंड है, और है, सो है, बिकॉज है, ये सारे कंजंक्शन वर्ड है, ये किस तरह यूज होते हैं, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।